अज एक अजिहे जरनैल बारे तुहानू दसांगे जिहदी शहादत तो बाद उहदे शरीर दी बोटी बोटी विकी। दुनिया के इतिहास च उह कल्ला ही एक अहिजा योधा होया है जिहदी मौत तो बाद उहदी लाश लिजाण लई दुश्मन आपस च लड़ते। महाराजा रणजीत सिंह दा उह बहादुर जरनैल आपां कहिंदे आ ना खालसा राज लेह लद्दाख कश्मीर चीन तक फैलिया होया सी। इह आ उह महान जरनैल जिन्हें खालसा राज दा झंडा लेह लद्दाख तों तिब्बत तक लहराया। अज असीं गल करांगे जनरल जोरावर सिंह दी जो 14 साल दी उम्र च महाराजा रणजीत सिंह दी फौज च भर्ती हो गए सी। 17 साल दी उम्र तक इन्हां ने 3 शेरां दा शिकार करता ही कल्लियां ने। उस टाइम ते भारत दा नेपोलियन कहिंदे सी, अंग्रेज भी थर थर कंबदे सीगे। भारत ते चीन दी एक सरहद दा इलाका है जिहदा हुण भी रौला चलदा है इंडिया चीन दा। प्रधानमंत्री सीगे जदों अटल बिहारी वाजपेई, उत्थों दे मंत्री नूं कहिंदे ने कि इह इलाका साडा है कि तुसीं सानूं वापस दे दो। चीन दे मंत्री दा जवाब पता की सी? कहिंदा इह इलाका थोड़ा नहीं है, इह खालसा राज दा इलाका सी। कहिंदा जी थोड़े नाल गल नहीं करांगे, खालसा राज चों कोई आ जाए उहनां नाल गल करांगे असीं। तिब्बत तों आपदी थोड़ी जी फौज नाल जदों इह वापस आ रहे सी तां तिब्बत वालिआं ने पिछों पूरी फौज नाल हमला करता। जनरल जोरावर सिंह इस तरीके नाल लड़े कि किसे वैरी दी हिम्मत नहीं हुई इहनां दे अगे आउण दी। फिर एक गोली आउंदी आ, इन्हां दे पट्ट च वजदी आ ते थले जा डिगदे ने। फिर इन्हां दी लाश पिछे इन्हां दे दुश्मन आपस च लड़ पैंदे ने कि लाश असीं लैके जाणी आ। घंटिआं लड़ाई चलदी आ ते इक फैसला हुंदा है कि जो भी सब तो ज्यादा बोली लाऊगा ये लाश उहदी। दो कबीलियां च लाश वंड लई जांदी आ। इन्हां दा सारा मास उतार के टुकड़े टुकड़े करके फौजियां च वंड दित्ता जांदा है। दुश्मन फौजी इस बहादुर दे मास दे टुकड़े आपदियां बाहवां ते बन्नी फिरदे सी। तिब्बत च एक परंपरा हुंदी सी कि शेर दा मास जे कोई आपदी बांह ते बन्ने या आपदे घरे रखे तां उहनां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां बहादुर पैदा हुंदीआं ने। उह कहिंदे कि जिस हिसाब नाल इह योधा लड़िआ है कि शेर दी इहदे सामणे की औकात है। फिर इहनां दे सिर दा इक इक बाल लोग आपदे घरे लै गए कि साडीआं आउण वालीआं पीढ़ियां इस वर्गीआं बहादुर बन। इहनां दा हत्थ वढ के जमीन च गड्ड दित्ता गया ते इक मठ बणाता, उहनूं सिंगलाबा चोटन कहिंदे ने कि इत्थे शेर सुत्ता पिआ है। तिब्बत च एक परंपरा रही है कि जदों भी कोई औरत प्रैगनेंट हुंदी उहनूं ढोल बाजियां नाल उस मठ ते ले आया जांदा ते आले दुआले चक्कर कढ़ाए जांदे सी कि इहदा आउण वाला बच्चा इस वर्गा बहादुर पैदा होवे। दुनिया च बहादुर तों बहादुर लोग पए ने पर इहो जी एग्जाम्पल तुसीं कदे नहीं सुनी होणी कि एक जरनैल दे मास दी बोटी बोटी दी कदर उहदे दुश्मनां ने पाई होवे। इह शेर दा जन्म कांगड़ा दे पिंड अंसरा च होया ते इहनां दे पिता दा नाम सीगा सरदार हरजीत सिंह। जदों दूजे जवाक खिडौणिआं नाल खेडदे हुंदे सी छोटी उम्र च ही कहिंदे घोड़ सवारी तलवारां दा शौक हुंदा सी इहनां नूं। 14 साल दी उम्र च आपदे दोस्त नाल फिर इह लाहौर आ गया। उत्थे तलवार नाल ऐसे करतब दिखाए कि महाराजा रणजीत सिंह भी प्रभावित हो गया, आपदी फौज च भर्ती कर लिया इहनां नूं। फिर हुंदा जंगां जित्तण दा सिलसिला शुरू। पहाड़ां दे उह इलाकिआं च जिथे लोग तुरन तों वी डरदे सी उत्थे इन्हां ने खालसा राज दे झंडे लहराए। उस टाइम ते भारत दा नेपोलियन कहिंदे सी, अंग्रेज भी थर थर कंबदे सीगे। भारत ते चीन दी इक सरहद दा इलाका है जिहदा हुण भी रौला चलदा इंडिया चीन दा। प्रधानमंत्री सीगे जदों अटल बिहारी वाजपेई, उत्थों दे मंत्री नूं कहिंदे ने कि इह इलाका साडा है कि तुसीं सानूं वापस दे दो। चीन दे मंत्री दा जवाब पता की सी? कहिंदा इह इलाका थोड़ा नहीं है, इह खालसा राज दा इलाका सी। कहिंदा जी थोड़े नाल गल नहीं करांगे, खालसा राज चों कोई आ जाए उहनां नाल गल करांगे असीं। सोचो सिख इंटरनेशनल पावर बनदे जा रहे सीगे। महाराजा रणजीत सिंह दी जिहड़ी सेना सीगी एशिया दी सब तों तगड़ी सेना सी उदों। अंग्रेज फिर डर गए कि सिख किते रूस नाल सिद्धे मिल के सानूं इत्थों ना भजा देण। फिर अंग्रेजां ने जनरल जोरावर सिंह खिलाफ साजिश रची। झूठे सुनेहे खालसा दरबार भेजे गए कि आपदे जरनैल नूं इत्थों वापस बुला लो। तिब्बत तों आपदी थोड़ी जी फौज नाल जदों इह वापस आ रहे सी तां तिब्बत वालिआं ने पिछों पूरी फौज नाल हमला करता। टोयो नाम दी जगह सी उह, -40 डिग्री टैंपरेचर सीगा। सिख फौजां इन्नी बहादुरी नाल लड़ियां कि बर्फ नाल ढके चिट्टे पहाड़ लाल हो गए। जनरल जोरावर सिंह इस तरीके नाल लड़े कि किसे वैरी दी हिम्मत नहीं हुई इहनां दे अगे आउण दी। फिर एक गोली आउंदी आ, इहनां दे पट्ट च वजदी आ ते थले जा डिगदे ने। जख्मी हालत च भी लड़दे रहे ते किसे दी हिम्मत नहीं हुई कि कोई कोल आ के वार करे इहनां दे। दूर पहाड़ ते बैठा एक तिब्बती फौजी वर्षा मारदा है इन्हां वल नूं। इन्हां दी ढूही च वर्षा वजदा है ते आर पार हो जांदा है। उत्थे फिर इन्हां दी शहादत हो जांदी है ते कहिंदे इन्हां दी शहादत तों बाद भी किसे दी हिम्मत नहीं हुई कि इन्हां दे नेड़े आ जाए। उन्हां नूं डर सी कि फिर ना उठ के खड़ा हो जाए।
फिर इन्हां दी लाश पिछे इन्हां दे दुश्मन आपस लड़ पैंदे ने कि लाश असी लैके जानी है। घंटिया लड़ाई चलती है, एक फैसला हुंदा है कि जो भी सब तो ज्यादा बोली लाऊगा ये लाश ओदी। दो कबीलियां च लाश वंड ली जांदी है, इन्हां दा सारा मास उतार के टुकड़े टुकड़े करके फौजियां च वंड दित्ता जांदा है। दुश्मन फौजी इस बहादुर दे मास दे टुकड़े आपदियां बाहां ते बन्नी फिरदे सी। तिब्बत च एक परंपरा हुंदी सी कि शेर दा मास जे कोई आपदी बाह ते बन्ने या आपदे घरे रखे तां उहनां दीआं आउण वालीआं पीढ़ियां बहादुर पैदा हुंदीआं ने। उह कहिंदे कि जिस हिसाब नाल इह योधा लड़िआ है कि शेर दी इहदे सामणे की औकात है। फिर इन्हां दे सिर दा एक एक बाल लोग आपदे घरे लै गए, इन्हां दा हत्थ वढ के जमीन च गड्ड दित्ता गया ते एक मट बनाता, उहनूं सिंगलाबा चोटन कहिंदे ने कि इत्थे शेर सुत्ता पिआ है। तिब्बत च एक परंपरा रही है कि जदों भी कोई औरत प्रैगनेंट हुंदी उहनूं ढोल बाजिआं नाल उस मट ते ले आया जांदा ते आले दुआले चक्कर कढ़ाए जांदे सी कि इहदा आउण वाला बच्चा इस वर्गा बहादुर पैदा होवे। दुनिया च बहादुर तो बहादुर लोग पए ने, पर इह जी एग्जाम्पल तुसीं कदे नहीं सुनी होनी कि एक जरनैल दे मास दी बोटी बोटी दी कदर उहदे दुश्मनां ने पाई होवे। ते असीं अजिहे जरनैलां नूं भुल्ली बैठे हां जिन्हें खालसा राज दे झंडे लेह तों तिब्बत तक चलाए।